फरीदाबाद में स्थित सूरजकुंड अरावली के पहाड़ों के बीचों बीच बनी खूनी झील जो डेथ वैली के नाम से मशहूर हो चुकी है। बताया जाता है कि अब तक वहां जो भी गया वो वापस नहीं लौटा। ये झील अब तक करीब 2 दर्जन से ज़्यादा लोगों को निगल चुकी है। अपनी ओर लुभाती हुई झील लोगों को मौत का न्योता देती है और इसी निमंत्रण को पाकर लोग ना चाहते हुए भी झील की ओर खींचे चले जाते हैं। इसी खिंचाव का जीता जागता उदाहरण रविवार की शाम को देखा गया। आइए जानते हैं मौत से लड़ने वाली महिला और उसके पति और भाई से पूरे मामले की आप बीती। मौत का भयानक मंजर सूरजकुंड की अरावली पहाड़ियों के बीचों बीच बनी कृत्रिम खूनी झील का है, जहां हेमा रानी नामक महिला अपने पति और भाई के साथ रविवार की शाम बंदरों को केला खिलाने के लिए गई हुई थी। तभी उसे डेथ वैली के नाम से मशहूर खूनी झील की याद आई और उसे देखने के लिए चली गई। झील के पास पहुंचते ही महिला झील की ओर आकर्षित होने लगी और पति के मना करने के बाद भी देखते देखते महिला खूनी झील में फिसल गई। 100 फुट गहरे पानी झील में गर्दन तक डूबी हुई महिला एक पत्थर को पकड़कर करीब 3 घंटे तक लटकती रही। पकड़ ले। ये वहाँ बंदर बहुत ज़्यादा हैं और हम जाते रहते हैं। मतलब कि सुना है कि बंदर बंदर को जैसे खाना वाना खाने के लिए साथ के मेरे काफ़ी सारे सर्कल्स में हैं तो बंदर को खाना खा जाते हैं। तो मैं अपनी वाइफ को लेके बंदरों को खाने खाने के लिए केले लेके गए हम वहाँ पे। तो वहाँ जाने के बाद मैं वाइफ ने बोला कि मैंने बहुत नाम सुना डेथ वैली का, मुझे डेथ वैली देखनी है। तो मैंने कहा नहीं, बड़ी डेंजर जगह है, मैंने बहुत कुछ सुना इसके बारे में, यहाँ ठीक नहीं है जाना। इसने कहा नहीं प्लीज़, जैसे 1 मिनट के लिए चलेंगे तो वापस आ जाएंगे। हम वहाँ पर चले गए, वहाँ गए तो उसने देखा कि इस तरह के मतलब बहुत ज़्यादा वो गहरी है, डीपली है बहुत ज़्यादा, ठीक है। उसकी ये उसके पास गई है तो वो मट्टी थी बहुत सारी, इसका एक पैर स्लिप हुआ, ये सीधा उसके अंदर चली गई। इसके पीछे पीछे मैं कूद गया। पीछे पीछे कूदने के बाद मैंने जैसे कैसे एफर्ट्स करके हमने वहाँ जाके वो पत्थर पकड़ लिए। मेरा बदरुल्लाह वहीं पर था, हम साथ थे, हम 3 बंदे साथ थे। हम मेरे बदरुल्लाह को पता लगा कि हम चुके हैं, मतलब गिर चुके हैं वहाँ पर। तो इन्होंने सोनम पर फ़ोन किया तो बोला, उससे पहले तो इसको पता भी नहीं था क्योंकि ये बहुत पीछे था, ये सोच रहा कि घूम रहे होंगे कहीं आ जाएंगे थोड़ी देर बाद में। तो ये हमें देखने के लिए आया तो हम आवाज़ें मार रहे थे, बचाओ। इसने फिर मैंने नीचे से आवाज़ दी इसको कि तो फटाफट से सोनम पर फ़ोन कर। इसने सोनम पर फ़ोन किया तो पुलिस आधे पौने घंटे के अंदर वहाँ पुलिस पहुँच गई। ईसाई राजेंद्र सिंह जी थे वहाँ पर आए मौके पे, उनके साथ 4 आदमी और थे, वो आए, उन्होंने रस्सी बांध के हमारा पूरा साथ में निकाला उन्होंने। हेमा रानी को पानी में डूबता देख महिला के पति ईश्वर ने पानी में छलांग लगा दी। स्विमिंग ना आने के कारण ईश्वर भी पानी में डूबने लगा। उन्होंने किसी तरह खुद को बचाया और बाहर आ गए। ईश्वर और महिला के भाई अनुज ने अपनी पैंट और शर्ट को उतारकर उन्हें आपस में गांठ बांधकर जोड़ा और रस्सी की तरह बनाकर उसे हेमा को पकड़वाने की कोशिश भी की। घंटों प्रयास करने के बावजूद कोई सफलता नहीं मिली तो उन्होंने सुनसान पहाड़ी में बचाओ बचाओ की आवाज़ें लगाना शुरू कर दिया। आवाज़ सुनकर पहुँचे भाई अनुज ने 8:15 बजे पुलिस को सूचना दी। सूचना पर सूरजकुंड थाने में तैनात SI रणधीर साथी पुलिसकर्मियों शमशेर और संदीप के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिसकर्मियों ने मौके पर हालात का जायज़ा लिया। अंधेरा होने के कारण मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ गई थीं। पुलिस ने रस्सी से रोप वे तैयार किया जिसके सहारे पुलिस टीम का एक सदस्य हेमा तक पहुँच सका और उनको सकुशल बाहर ले आया गया। पानी से बाहर निकलते ही हेमा रानी बेहोश हो गई। उनको तुरंत ही उपचार के लिए पुलिस की गाड़ी में BK हॉस्पिटल लाया गया। बंदरों को केले खिलाने के लिए गए थे हम वहाँ पर, तो
वहाँ पर हम गए, मेरा कोई ऐसा मोटिव नहीं था कि मैं वहाँ पर जाऊँगी, बस ऐसे ही मन करा तो वहाँ देखने के लिए चले गए। देखने गए, मेरा पैर स्लिप हो गया वहाँ पर। फिर मेरे हस्बैंड ने एफर्ट किए ऊपर से नीचे कूदे मेरे को बचाने के लिए, मैं डूब रही थी, उन्होंने मेरे को ला कर लास्ट में पत्थर पकड़वाया, तब मैं वहाँ से पत्थर पकड़ कर खड़ी रही पानी में 2-3 घंटे तक, तब तक एफर्ट्स करे वहाँ खड़े होकर दोनों ने हमने, और बच गए। ऊपर आई, ऊपर आकर के 100 नंबर पे फ़ोन किया, पुलिस वालों ने एफर्ट्स करे फुल हमारे लिए और सपोर्ट करी और हमें बचाया। इससे पहले कभी गए थे आप उस जगह पे? नहीं, फर्स्ट टाइम गई थी। तो बंदरों को केले खिलाने गए थे आप वहाँ पे? तो वहाँ डेथ वैली की तरफ कैसे पहुँचे? डेथ वैली ऐसा कुछ नहीं था, बंदरों को केले दिए तो मेरा मन करा, हस्बैंड मना कर रहे थे, मैं फिर भी जिद करके गई कि नहीं मुझे देखना है वहाँ पर। मैं जिद करके वहाँ गई और वहाँ पर ऐसे मेरा पैर स्लिप हो गया एकदम। उसके बारे में आपने पहले सुना था कि ऐसा कुछ है वहाँ? नहीं सुना था कि यहाँ पे कोई डेथ वैली है, तो देखने का मन था एक बार मेरा अंदर से, बस इसलिए गई मैं जिद करके। तो क्या पुलिस पहुँच गई थी मौके पर? हाँ, पुलिस पहुँच गई थी, पूरी मदद की पुलिस ने। बचाया? पुलिस ने बहुत एफर्ट्स किए, बचाया मुझे रस्सी वस्सी डाल करके। चोट कहाँ कहाँ लगी इस बीच आपको? मेरी कमर में चोट लगी हुई है, हाथों में चोट लगी है, पैर में चोट लगी है। तो लगभग कितने समय का ये अंतराल रहा, कितने समय तक आप पानी में जिस तरह से लटके रहे पहाड़ी पे, तो कितना समय रहा होगा आपके? 2 घंटे तक पानी में रही मैं। फिर वो पत्थर की ग्रिप बना करके जैसे मैंने पकड़ कर रखा, 2 घंटे पूरे पानी में रही। उसके बाद 100 नंबर फोन करा, पुलिस वाले आ गए थे। आपके पति भी साथ में थे? तो हाँ, मेरे पति भी साथ में थे, उन्होंने मुझे फुल एफर्ट्स किए। वो भी साथ में पानी में थे आपके साथ? नहीं, वो बार बार ऊपर आ रहे थे मुझे बचाने के लिए, हेल्प मांग रहे थे। कभी मैं डूब रही थी तो फिर मुझे सपोर्ट करा, फिर मुझे पत्थर पर ला कर रखा, उन्होंने ऊपर आकर के सपोर्ट कर लिया। तो बड़ा भयानक मंजर रहा होगा, और 2 घंटे तक आप पानी में रहे। रात को बिजली कड़क रही है, ऊपर से बारिश आ रही है और मैं पानी में हूँ अकेले, तो बहुत भयानक मंजर था वो। तो कुछ लोग शौक के लिए जाते हैं, देखने के लिए जाते हैं कि डेथ वैली देखेंगे, कुछ इंजॉय करेंगे, तो आप उन लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? जिस तरह से आपके साथ जो व्यतीत हुआ है, आपने जो झेला है, तो आप उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगी कि कभी ज़िंदगी में कोई भी डेथ वैली ना जाए, मेरा तो पता नहीं, भगवान ने साथ दिया, मेरे हस्बैंड ने पूरे एफर्ट्स किए जो मैं बचकर आगे, पुलिस ने सहयोग किया जो मैं बचकर आगे, बट मैं किसी को भी नहीं कहूँगी कि कोई वहाँ जाए कभी देखने के लिए। अनुजी, कल शाम को आप परिवार के साथ? जी, दीदी जीजा के साथ था मैं अपने जी। तो ये लोग मेरे, हम वहाँ बंदरों को केले खिलाने गए थे, ये लोग जैसे नीचे गए मेरे से कह रहे हैं हम घूम के आते हैं, इन्हें आधा घंटा हो गया, मैं इनकी वेट कर रहा हूँ। मैंने कहा ये तो अभी घूम के आ ही जाएंगे, मैं इनकी वेट कर रहा हूँ गाली में बैठा हुआ ऊपर, मैंने कहा अभी आ जाएंगे, लेकिन इनका तो आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, कोई पता नहीं लगे। मैं वहाँ से झील के ऊपर से आवाज़ें मारूँ, जीजू दीदी कहाँ पर हो, इन लोगों को कोई पता नहीं। फिर जीजू ने मेरे को नीचे से आवाज़ मारी कि हम पानी में डूब चुके हैं। फिर मैंने 100 नंबर में फ़ोन करा पुलिस वालों को, कई बार मैंने फ़ोन करा, तो जाके वहाँ जिप्सी आई है रात को, उन्होंने पुलिस वालों ने फिर रस्सा डाल के दीदी को, इनको बाहर निकाला। जीजा तो बाहर आ चुके थे, ये दीदी को खुद इन्होंने सपोर्ट दिलाई थी पत्थर की पकड़ के, ये बेचारे अपनी जान बचा के खुद पता नहीं कैसे कैसे निकलेंगे। बहुत खतरनाक जगह थी, मेरी तो हिम्मत भी नहीं पड़ रही थी उस जगह पर नीचे जाने की, मौत की जगह है दूसरी। मैं तो इन लोगों से मना कर रहा हूँ कभी ज़िंदगी में ना जाओ उस जगह पर कभी भी।